एक्शन में आए दीपक रावत, फिर मारा छापा। कुमाऊं कमिश्नर अक्सर अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियों में रहते हैं। उनकी अचानक छापेमारी से कुमाऊं के कई अधिकारियों की हवा टाइट रहती है। वहीं कुछ व्यापारियों के लिए भी कई बार दीपक रावत का छापा भारी पड़ जाता है और इसी अंदाज के लिए वो काफी फेमस भी हैं। सोमवार को भी हल्द्वानी शहर के कई स्थानों पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की। आईएएस दीपक रावत अपने कैंप ऑफिस से ओके होटल बेस हॉस्पिटल होते हुए डीके पार्क का निरीक्षण करते हुए रामलीला मोहल्ला पहुंचे, जहां पर उन्होंने मावा की आड़त पर औचक निरीक्षण किया और पाया कि वहां काफी पुराना और भारी मात्रा में मावा रखा हुआ था। आपको बता दें कि ज्यादातर मिठाइयों में मावे का इस्तेमाल किया जाता है। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त समेत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जहां पर यह पाया गया कि मावा में मिलावट है। वहीं लेन देन के हिसाब में भी काफी गड़बड़ी नजर आई। मावे का सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिया गया। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मिलावट खोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रामलीला मोहल्ले में एक्चुअली एक होलसेल व्यापार है जो मावे का है, तो ऐसे ही स्कूटर पे कोई खुले में दो बोरे लेके जा रहा था, तो इसको साफ सफाई क्योंकि मैं शहर की देख रहा था तो उसमें देखा गया तो पता चला यहाँ से आ रहा है। तो अंदर आने पे पता चला है कि ये मावा अलग अलग जगहों से आता है। औसतन कॉस्ट आप इसको 210 रुपये किलो पे परचेज कर रहे हैं, जिसको देख के डाउट हो रहा है कि इतना सस्ता कैसे है, और अगर दूध से वाकई बनेगा तो इसकी कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। सेकेंडली, जो इसको बेचने का तरीका है फर्श में नीचे रख के, जो आप देख ही पा रहे हैं खुले में, ये भी एक उचित तरीका नहीं है साफ़ सफाई की दृष्टि से। आप जानते हैं मावा सभी मिठाइयों में यूज़ होता है, सभी घरों में जाता है और पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये जो संस्थान जहाँ का है वहाँ पर चल भी नहीं रहा है, इसका एड्रेस कहीं और है, ये चल कहीं और पे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जैसे अलग अलग जगहों से मावा आ रहा होगा तो कब का है, कितना पुराना है, कहाँ से आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ है जो सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, एनीबॉडी, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसको बहुत ध्यान देना है इस बार, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जो समीक्षा हो रही है, जो 30 पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से मैं भी करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, उसमें बड़ा अहम मुद्दा मिलावट का है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी समीक्षाएं होती हैं, उसमें ये बार बार बात आती है कि खाने पीने में साफ़ सफाई अगर नहीं है उचित और मिलावट की कोई आशंका है तो लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को यहाँ पर बुलाया गया, वो सैंपल्स तो लेंगे ही, साथ ही जो अनहाइजीनिक तरीके से इसको रख रहे हैं उस पर भी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और मैंने ये भी कहा है कि इसको इससे भी मिलान कर लें कि अल्टीमेटली ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है और जिन जगहों से भी बन रहा है वहाँ पे इसको बनाने की क्या व्यवस्था है, क्या वो ठीक जगह बन रहा है, ऐसा तो नहीं इसमें कुछ अलग से चीज़ मिलाई जा रही है जिससे कि इसकी कीमत कम आ रही हो और हेल्थ से एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो। आपको बता दें कि मावे में मिलावट पाने पर दीपक रावत काफी गुस्से में थे। जानकारी मुताबिक ये मावा रामनगर के डेला और डांडा के खत्ते से आता है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मावे के सैंपल लिए गए हैं, जिनको टेस्ट के लिए लैब भेजा गया है। कुमाऊं कमिश्नर की ऐसी छापेमारी से ही कई व्यवसायी डरे रहते हैं। अपने तेज तर्रार अंदाज से ही उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है और उनकी गिनती देश के होनहार अधिकारियों में की जाती है। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।